बिग बॉस विनर। देख लो, बिग बॉस जीत के भी कोई फायदा ही नहीं हुआ, पर डे कमाने तो इधर ही आई है ना। डैडी, डैडी आप हमें जोड़ के कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद हम कितने गरीब हो गए थे, रात को मिंटोस खाते थे, मिंटोस। मिंटोस? हाँ, घर की लाइट तो थी नहीं, कम से कम दिमाग की तो बत्ती जले। देखा अर्चना जी, बहुत टैलेंटेड है मेरा गोली, इतना टैलेंटेड है कि चावल में से कंकर ढूंढ ढूंढ के खाता है। डैडी वाओ, डैडी देखो, माय डैडी स्ट्रांग केस। बेटा इतने प्यार से क्यों मारा, दबड़ दबड़ दबड़। क्योंकि कब से ये तुमने चीज पकड़ी है खाने वाली, डैडी कैसे खाते हैं सॉस? बेटा ये खाने वाली चीज नहीं है, ये छड़ी मुझे मरदान में मिली है, ये छड़ी से मैं पूरी दुनिया का हिसाब बदलूंगा। आई लव यू डैडी, आई लव यू। देखना अब सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। डैडी अब आप लक्स साबुन लेने जाओगे और ऐश्वर्या आपके पीछे पीछे आएगी ऐसे ऐसे ऐसे, और आपको देख के गाना गाएगी, गंदे से भी गंदा लगे सुरिंदर मेरा यार है। बस अर्चना जी, कभी घमंड नहीं किया जी, बस खान ब्रदर्स की दुकान बंद, अब हम मेरा डैडी ही डैडी चाहेंगे। बोलू, मैं सारी दुनिया की हसीनों को मेरे कब्जे में कर लूं। डैडी कब्जे में बाद में करना, पहले अपनी कब्ज तो ठीक कर लो। चड़ी मेरे को दे दो। नहीं, मेरी चड़ी है। डैडी कोलू को मना किया। दबड़ दबड़ दे। डिन 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 डिन। कोलू को मना किया। डैडी। दबड़ दबड़ दबड़। ए शैतान पाजी, मेरा वरदान। कौन सा वरदान? मेरी चड़ी। कौन सी चड़ी? एक मिनट, इसका मतलब तुम चलते एक्ट में सो रहे थे, तुम सपना देख रहे थे सोते सोते। फिर ये कहता है मेरी बेइज्जती करते हैं। फिर कहता है विपुली जा चेक नहीं देता। फिर कहता है अर्चना मुंह खोल के हंसती है। अर्चना आंटी, एक्ट के बाद अच्छे कमेंट ना देना और चलते एक्ट में सोना, पांचो जीना को पसंद नहीं है। अभी तो मार्क दे दो। हाय अल्लाह, हेलो। हाँ पापा, एक खुशखबरी देनी आपको। क्या आपको भी उल्टियां हो रही हैं? अरे पापा, क्या करते हैं इस उम्र में? अच्छा लगेगा एक ही अस्पताल में आपका बच्चा और आपका पोता हो रहा है। नहीं मतलब ठीक है, लड्डू का खर्चा बचेगा, लेकिन 20 रुपए के लड्डुओं के लिए मेरी जायदाद का जो 50% उसको जाएगा, उसका क्या? अच्छा अच्छा, उसकी वजह से नहीं हो रही उल्टी, दारू दारू पी ली थी। तो वो मत पिया करो ना, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। हाँ, आपको खुशखबरी देनी थी। मैं डॉक्टर का फोन आया था, बता रहा था मैं कह रहे थे मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं डॉक्टर साहब खुद तो नहीं आए, क्योंकि उनका खुद का 6ठा महीना चल रहा है। हाँ बाबा, अरे बाप, लगता है बड़ा होकर सेल्फिश निकलेगा, अभी से अपने बाप के पेट में लात मार रहा है। चलो ठीक है बाबा, फोन रखता हूँ, ठीक है, ओके बाय। अर्चना एक खुशखबरी देनी है। तुम ताऊ बनने वाली हो। हाय रब्बा, तुम फिर भी क्या गई? कितनी बार का ज्यादा पिया मत करो, पीना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है।
अरे बाबा मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इतना क्या काय को भी कहती हो? आंखें बंद कर, मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। मुझे पता है कि वो खुशखबरी क्या है। क्या है बताओ? तेरे पीठ का पिंपल ठीक हो गया ना? अरे बाबा पीठ का पिंपल नहीं, अभी तो वो तो और बड़ा हो गया उल्टा, क्या स्कूल जाने लगा है। एक और खुशखबरी बाबा, डॉक्टर का फोन आया था, कह रहा था कह रहा था मैं पेट से हूँ। एक सेकेंड, लेकिन तूने तो मुझसे कहा था कि तू पंजाब से है। अरे बाबू आई डोंट अंडरस्टैंड द इवन अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई मीन आई एम प्रेग्नेंट। क्या? ये बच्चा मेरा नहीं है। अरे क्यों नहीं तेरा बच्चा? भूल गई उस दिन जब तुम दारू पी के आई थी, मेरे को गुस्से में आके थप्पड़ मारा था, भूल गई, और मैं बेडरूम में चला गया था रोते रोते, फिर तुम मेरे को सॉरी फील करने आई थी, फिर तुम मेरे पास आई, फिर तुम मेरे और पास आई, तुम पास आती गई और दिया बुझ गया। आई माँ दर्द हो रहा है। अरे लेकिन तुम्हें अभी से दर्द कैसे होने लगा? मतलब तुम्हें तो दूसरा तीसरा महीना ही होगा, है क्या? अरे नहीं बाबा वो वाला दर्द नहीं है, ये गैस वाला दर्द है। आई माँ इन महीने मिल जाते तो गैस वाला दर्द हो रहा है बाबा। कितना बेवकूफ बनाता है तू, पिछले 4 साल से मुझे लड़के पे लड़का, लड़के पे लड़का, लड़के पे लड़का दिया जा रहा है। सुन क्या है? अगर इस बार तूने मुझे लड़का दिया ना, तो तेरे पेट में जितना गैस है ना वो निकाल के तुझे जला दूंगी। हे भगवान, मैंने कैसे मर्द से शादी कर ली मुझे समझ में नहीं आता, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं दूसरी शादी कर लूं। क्या मतलब? तो करने ना दूसरी शादी, किसने रोका तेरे को? मैं खुद तंग आ गया हूँ तेरे से, तेरी ठरकी माँ से। इतनी ठरकी माँ तेरे गंदे गंदे इशारे करती रहती मेरे को। कभी कभी तो उसका मूड चेंज करने के लिए मेरे को 7:30 की न्यूज लगानी पड़ती, पता है? क्या है? मेरी माँ पर इल्जाम मत लगाना। क्यों? क्योंकि मेरी माँ देवी है। देवी? देवी? तेरी माँ देवी नहीं, देवा है, देवा, प्रभु देवा। इतनी गंदी तेरी माँ, कभी कभी तो मेरे को घर में अकेला देके साउथ इंडियन में प्रपोज करती, पता है? मेरे को बोल रही थी कल, नाड़े के नरे किन्ना किन्ना एक कमरा जाड़ दे उड़ दे उड़ दे, पता है क्या? एक सेकंड रुक। क्या? तुझे पता है मैंने तुझसे शादी क्यों की? क्यों की थी मेरे साथ? सिर्फ मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ ने कहा इसलिए मैंने तुझसे शादी की, वरना तेरे पास था क्या? आज मेरी सहेलियों को देख, मेरी सहेलियों को कितना सारा दहेज मिला, और तूने तूने मुझे क्या दिया पापी? एक बाप ने अपना जवान हट्टा कट्टा बेटा दान में दे दिया, और क्या चाहिए तेरे को? अर्चना बाबू तुमने ठीक कहा था, इस औरत प्रधान समाज में हम मर्दों को पांव की जूती समझा जाता है, वो भी 50% सेल वाली। अबे मनहूस, कभी तो कोई अच्छी खबर सुनाया कर, हमेशा कोई ना कोई बुरी खबर सुनाता रहता है। कभी मुझे ये बताएगा तेरी रोटी जल गई, कभी बताएगा मेरी सब्जी जल गई, कभी बताएगा कि मेरे ससुर जी का चड्डा उड़ गया। अरे मतलब कुछ तो अच्छा सुना जिंदगी में। क्या अच्छी खबर सुनाऊं तेरे को मैं? क्या बताऊं, मैं सिंगम में आ रहा हूं, एलीट, क्या सुनाऊं तेरे को मैं? चुपचाप से हट मेरे रास्ते से। देख मैं जा रही हूँ 3 महीने के लिए ऑफिस के काम से बाहर, समझा? ए, रुक रुक रुक, तेरा दिमाग खराब है? 3 महीने के लिए बाहर जा रही है, 2.5 महीने का तो शो है। और इसके बीच में बच्चा हो गया तो? अरे लेकिन बच्चा होगा कैसे? बच्चा तो अभी 2-3 महीने तक ही है पेट में। अरे बाबा आजकल वो टाइम नहीं रहा 9 महीने वाला, आजकल बच्चे बड़े तेज हो गए, पता है? मेरा एक दोस्त प्रेग्नेंट था, पता है? उसका बच्चा 4 महीने में हो गया था, पता है? 4 महीने? हाँ। कैसे? अरे बाबा कुछ नहीं, बच्चे बड़े चलाक होते हैं, आजकल वेट नहीं करते, पता है? मेरा दोस्त सो रहा था और बच्चा हो गया, उल्टा पता बाप को उठा के गया था, उठा पापा सुबह हो गई है। आप खाली दिमाग में लाओ कि बच्चा पैदा करना है, बच्चे हो जाते हैं बाबा आजकल। आप प्लान करते हो सुबह बच्चा डाइनिंग टेबल बैठा खाना खा रहा था आपके साथ। ईमान दर्द हो रहा है। हाय अल्लाह, हाय। अरे अरे एक मिनट, मैं तुझे कितनी बार कहा है तू अपने गैस का इलाज क्यों नहीं करा था बे? अरे बाबा इस बार गैस वाला दर्द नहीं है, प्रेगनेंसी वाला दर्द है। हाय अल्लाह। अरे एक मिनट, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। तेरा बेड़ा करके इधर मैं दर्द से मर रहा हूँ, तो डॉक्टर को फोन करने में लगी है। अरे बाबा डॉक्टर को बुला के इलाज आके। हाँ, बुला के बुला। हाय हाय सहेल जी, आपको क्या लगता है मेरा क्या होगा? लड़का होगा, ये लड़की होगी, ये मेरे जैसा कोई गॉड गिफ्ट। आपको पता है मैंने तो नाम भी सोच लिया अपना, अगर मेरे बेबी बॉय जो हुआ लड़का हुआ तो उसका नाम रखूंगा अर्चना, और अगर मेरा बेबी बॉय हुआ लड़की तो भी उसका नाम रखूंगा अर्चना। आप ही हैं जिन्हें बच्चा होने वाला है? नहीं नहीं, मैंने नाश्ते में फुटबॉल खा लिया था। अच्छा चलिए आप लेट जाइए। क्या काहे के लड़के? मेरी बीवी कहाँ है पहले ये बताओ मेरे को। अरे आपकी बीवी को तो मैंने भारी रोक दिया,
बाबा आज क्यों रोका, उस दिन रोका होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। अरे ये दर्द हो रहा है। अरे हाँ हाँ, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक फॉर्म भरना होगा जल्दी। फॉर्म भरना? दिमाग खराब है, बच्चा पैदा नहीं हुआ, एडमिशन फॉर्म पहले से भर रहे हो काय को? मैं उन बापों में से नहीं हूँ, बच्चा पैदा नहीं हुआ नर्सरी में डाल देते हैं। मेरे को भी डाला था मेरे बाप ने नर्सरी में, पता है, लेकिन नर्सरी वाले अगले दिन घर छोड़ गए थे मेरे को। क्यों? मेरे नर्सरी के सारे पौधे उजाड़ के खा। तुम अब चुप रहो और चुपचाप से लेट जाओ, मुझे तुम्हारा ऑपरेशन करना है, आधे घंटे में तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। ए, ये सुन, तेरा दिमाग खराब है? आधे घंटे में? हाँ। दस दस मिनट मिले सबको कॉमेडी करने के लिए, उसमें भी 9:30 मुझे 30 सेकंड तुझे। अरे ये डेली सब नहीं है, आधा घंटा तेरे को दिखाएंगे। इतने में नहीं, आजकल हाई टेक्नोलॉजी पता, बच्चा झटाक से पैदा होता है। अभी तेरे को मैं बच्चे की डिलीवरी करके दिखाता हूँ। बधाई हो। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। बेबी बॉय हुआ। ए छोटू कितना शरारती है तू। हाय रब्बा, खुराक में कितनी मिलावट आ गई, बच्चे के बाल पैदा होते ही झड़ गए। ए सुन, वो देख तेरे ताऊ पीछे, अर्चू ताऊ को नहीं देखना? क्यों नहीं देखना बाबा? देखना अर्चू ताऊ को, नहीं देख देख देख। बिल्कुल माफी गए, माफी पहले गंजी थी। देखा अर्चना जी, अगर दुनिया में इस तरह बच्चे होने लगे तो दुनिया का क्या होगा? दुनिया की पॉपुलेशन वैसे ही इतनी बढ़ती जा रही है। तो अब एक काम करते हैं, इस इमेजिनेशन को इस कॉमेडी तक ही रखते हैं। अगर बच्चा माँ की कोख से 9 महीने बाद ही जन्म लेगा तो ही सही है, इससे कि माँ की ममता पूरी दुनिया में कायम रहेगी और माँ का प्यार बरकरार रहेगा। बच्चा कहाँ गया? वापिस। वापिस? हाँ, पहचान लिया तो उसने तुझे। बच्चे को पता चल गया डॉक्टर मेरी माँ है। ये रेनकोट पहन के आएगी तो बच्चा बचाने का नहीं क्या? बच्चा मेरे कान में पता क्या बोल के गया है? क्या कहता? मेरे नसीब फूट गए लेकिन मेरी माँ का एक पंच नहीं फूटा। मैं मजाक कर रहा हूँ, पागल बच्चा इधर ही है। ए अर्चू रखना बेटा इसका नाम। हेलो, इसका नाम शक्ल दे, शक्ल के साथ। ए बेटा उधर देख, नाम रखना इसका। नहीं ना, मेरी बात सुन, एक सलाह दूँ मेरे साथ। इधर देख, तू क्या देख रहा है इधर? मेरे हिसाब से इसका नाम 10-10 रख दे। 10-10? हाँ, जब भी आएंगे ना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।